लोगों का कहना है, दो ये बात बिल्कुल सही है, चूंकि आप नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे और आपने अब प्रॉमिस भी दे दिया है क्योंकि उसके असर बहुत बुरे हैं, इसलिए नेशनल एनसीआर के थ्रू आप नेशनल रजिस्टर्स ऑफ सिटीजन को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये लिखा भी है, कोई उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो इस तरह से इंप्लीमेंट किया जा रहा है जिस तरह से नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन आसाम में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ये जो आर्गुमेंट दी जा रही है क्रिटिक की तरफ से वो ये है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन के लिए सर्वे होगा, फैमिली में जाएंगे, इंडिविजुअल में जाएंगे, छोटा सा फॉर्म है वो भरेंगे, अब उसमें एक कॉलम होगा नेशनैलिटी, आप बताइए उसमें दोनों बातें होंगी, आप नेशनैलिटी आप सिटीजन भी होगे, नॉन सिटीजन भी हो सकते हैं, लेकिन आप सिटीजन हैं तो आप लिखेंगे। उसके बाद वो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफिसर है, रजिस्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है, उसका आदमी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैठा हुआ है, वो सिलेक्टिवली लोगों से इंफॉर्मेशन मांगेगा कि ये इंफॉर्मेशन आपकी सस्पेक्ट है, हमें आपका सिटीजनशिप स्टेटस तय करना है, ये इंफॉर्मेशन दे दो। जो आसाम में हुआ है इंफॉर्मेशन मांगने के लिए, वही नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर सर्वे के थ्रू किया जाएगा, जिसमें सारे जो इंटेंशन हो गए वो कुमार केतकर साहब ने बताया है कि डिफ्रेंचाइज किया जाए, वोटर लिस्ट से बाहर किया जाए, ताकि जो वोटर जो बना रहे हैं वो बना रहे जो हमारा है, जो हमें वोट देगा। तो इसमें जो नीति है वही है। लोगों ने एक सवाल रेज किया है, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट करते हैं कि भाई पॉपुलेशन सेंसस तो आपका हो रहा है 2021 में, इसकी क्या ज़रूरत है, उसमें तो डिटेल इन्फॉर्मेशन है, सारी इकोनॉमिक सोशल लाइफ है, उसमें ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है। लेकिन क्योंकि ये हैंडल करने के लिए आसान है, आपका रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो है डीएम होगा मेरा ख्याल है, वो बैठा रहेगा, उसको आसान है कि किसको लोकेट करना, किसको डिटेक्ट करना, उसमें आप आसानी से नाम से देख सकते हो मुस्लिम है, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, जैन है, और उसमें आप सिलेक्टिवली फिर सिटीजनशिप के लिए कागजात मांगो, नहीं है तो आप वो लीज़ भेज दो, वो ऑफिसर कोई कॉम्पिटेंट है नहीं, लीज़ भेज दो, और फिर उसको क्वेश्चन करना और उसके पीछे पड़ना बड़ा मुश्किल है, ये ज़रूर समझ लीजिएगा, क्योंकि ये हो रहा है। ये दिसंबर की कौन सी तारीख है मुझे मालूम नहीं, उसमें 3290 या कुछ करोड़ का बजट अलोकेट किया हुआ है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन सेंसस के लिए, पॉपुलेशन का अपना अलग से है, वो उसमें क्या होगा ये आपको वॉच करना पड़ेगा। वो मेरा ख्याल है ये अप्रैल में शुरू हो रहा है, और इसलिए ये जो मूवमेंट है, ये जो एक्टिविटीज है, ये लगातार शुरू करनी होगी। आई थिंक इन एडिशन टू द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ये एनसीआर जो है, इसकी छानबीन होनी बहुत ज़रूरी है, और इसके खिलाफ भी मेरा ख्याल है संघर्ष करना ज़रूरी है। इसके बावजूद कि हालांकि ये नेशनल पॉपुलेशन सेंसस भी शुरू हो रहा है, वो करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर रहे। अब दूसरी दो तीन बातें मैं आखिर में कह के ख़त्म कर देता हूँ, वो ये है कि कुमार केतकर साहब ने सही कहा कि इसका इंटेंशन क्या है। इसका इंटेंशन यही है, जो मुझे लग रहा है और जो मैं समझ रहा हूँ, वो यही है कि रिलीजन के बेसिस के ऊपर आप डिवाइड करो, और चूंकि हिंदू मेजॉरिटी में है और देर आर अदर माइनॉरिटीज, तो यदि हिंदू मेजॉरिटी जो 72% है 2011 के पॉपुलेशन सेंसस से, इनको आपने यदि कंसोलिडेट कर लिया है, तो उस हिंदू मेजॉरिटी को, जिसको हम कम्युनल मेजॉरिटी कहेंगे, उसको पॉलिटिकल मेजॉरिटी में पार्टी के थ्रू कन्वर्ट करना आसान है, और वो कोशिश चल रही है। अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि इसमें हाई कास्ट और हायर कास्ट, इसके अलावा ओबीसी, कुछ दलित, कुछ छोटे बहुत थोड़े बहुत मुस्लिम भी, कुछ ट्राइबल भी शामिल है। उसका रीजन ये है कि उसका वो शिकार हो चुके हैं। सबसे अनफॉर्चुनेट बात है, जिस ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी का शिकार ओबीसी बना हुआ है, जिस ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी का शिकार दलित हुआ है, जिस ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी का शिकार ट्राइबल हुआ है, उसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने में लगा हुआ है पावर में रह के।
मुझे मालूम है कि हमारे एक दो मिनिस्टर है दलित, जिन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में इसके समर्थन में आर्टिकल लिखा हुआ है। अब मुझे विश्वास होना लगा है कि रामायण वाल्मीकि ने लिखा होगा। डाउट करते हैं लोग कि अनटचेबल को तो राइट टू एजुकेशन था नहीं, तो वो वाल्मीकि वो और नीचे का सबकास्ट है तो वो कैसे लिखेगा। उसको पढ़ के लिखाया होगा और लिखने को कहा होगा। आप देख रहे हो कि जो मेजर डिसीजन ले रहे हो वो किस सोशल बैकग्राउंड से है, उसके विक्टिम बने हुए हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो पीछे है। तो मुझे ये पॉइंट को आपने समझना बहुत ज़रूरी है कि एक नीति है कि जिस नीति के तहत आप डिवाइड करो, और डिवाइड करके यदि आपकी रिलीजियस मेजॉरिटी बन गई और उस रिलीजियस मेजॉरिटी का यदि इस्तेमाल आप पॉलिटिक्स में करो तो पॉलिटिक्स आपके हाथ रहेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की डिमांड कभी कभी की जाती है। बाबा साहब ने बड़े जोरों के साथ कहा कि नहीं, यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होगी, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो अमेरिका में वो नहीं होगी, क्योंकि प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्टली होता है। और जिस देश में 70% लोग एक धर्म के हैं, वो हर बार प्रेसिडेंट उसी धर्म का रहेगा। तो इसलिए कम से कम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आपको कुछ फ्रीडम देती है, फ्लेक्सिबिलिटी देती है। तो ये जो इंटेंशन है कि ये सबको हिप्नोटाइज करा के, इवन लोअर कास्ट को हिप्नोटाइज करा के अपने साथ ले आना, हिंदू कॉन्शियसनेस को जागृत करना, फ्लेम अप करना, ये काम पिछले 20-30 सालों से चला हुआ है। क्योंकि ये रियलाइजेशन हो चुका था कि 55% हाई कास्ट, थोड़ा सा 10% हायर कास्ट, ये पॉलिटिक्स में पावर, डेमोक्रेसी में पावर नहीं ले सकता। जो बल्क ऑफ द ओबीसी कम्युनिटी है, कुछ दलित है, इनको हम विनोर कैसे करें। और वही काम 20-30 साल तक हुआ और उसका फलित आप आज देख रहे हो कि ओबीसी बड़े तादाद में उनके साथ है, हायर कास्ट भी बड़े तादाद में उनके साथ है, इसके बावजूद कि वो आइडियोलॉजी को वो प्रमोट कर रहे हैं, जिस आइडियोलॉजी से उनकी वो पीछे रहे हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक मैं मुद्दा आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत नीतियाँ अपनाई जाती है जिसका असर ही हमें होता नहीं है। ये बात की जा रही हिंदुज्म को, हिंदू को कंसोलिडेट किया जा रहा, हिंदू के इंटरेस्ट की बात की जा रही, ओपनली इंटरेस्ट की बात की जा रही, लेकिन किस हिंदू की बात की जा रही है? मुझे लगता है आप लोगों ने ये समझना, हमें समझना बहुत जरूरी है कि देर आर टू एस्पेक्ट ऑफ हिंदू पॉपुलेशन एंड हिंदू फिलोसफी, वन इज द ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म, अनदर इज ए नॉन ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म। प्लीज गौर से सुनिए मेरी बात। और जो प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि हिंदुज्म होमोजीनियस नहीं है, हिंदुज्म हेट्रोजीनियस है, उसमें ब्राह्मणिकल हिंदुज्म है और नॉन ब्राह्मणिकल हिंदुज्म है। नॉन ब्राह्मणिकल हिंदुज्म क्या है, हेट्रोजीनिटी क्या है इसमें? ये नॉन ब्राह्मणिकल हिंदुज्म है वो उसमें जो विधाय है, जो मूवमेंट है, वो ब्राह्मणिज्म के खिलाफ है, वो जाति के खिलाफ है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये सारे जो महाराष्ट्र के पोएट है, नामदेव, तुकाराम, इन्होंने सारों ने कास्ट के खिलाफ अटैक किया। ऐसी प्रथाएं जो गलत प्रथा है उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ा, सती होगी, चाइल्डहुड होगा, विडो रीमैरिज होगा, फुले ने मूवमेंट चलाई, बाबा साहेब की तो मूवमेंट अलग से दलितों की है ही है, टुकड़ो जी महाराज ले लीजिए, गाड़गे महाराज ले लीजिए, बसवेश्वर कर्नाटका में ले लीजिए, नारायण गुरु केरला में ले लीजिए, अथुचानंद यूपी में ले लीजिए, कुछ ब्राह्मण में भी सुधारक है, आगरकर है, रानडे है, तिलक के बड़े लड़के हैं, श्रीपाद तिलक शायद, नाम तो मुझे मालूम है, मूवमेंट भी मालूम है, लेकिन इनके नाम के बारे में कन्फ्यूज हो जाता हूँ मैं। बाबा साहेब का जो समता संघ था वो अपने घर में उन्होंने तिलक वाड़े में उन्होंने उनका ऑफिस खोला। तो ये एक हिंदुज्म की परंपरा है, चक्रधर स्वामी की भी है, महानुभाव की भी है, ये सारे बुद्धिज्म से काफ़ी हद तक प्रभावित हुए हैं। इस्लाम का असर है, कबीर कौन है, समता की बात करता है, रैशनैलिटी के फेवर में बोलता है, अंधश्रद्धा के बारे में विरोध में बोलता है। तो जो इस्लाम से आई हुई जो प्रोग्रेसिव इक्वेलिटी की परंपरा है वो भी तो हिंदुज्म का हिस्सा बन गई है। तो ये जो नॉन ब्राह्मणिकल परंपरा है हिंदुज्म की, इसको नहीं आगे लिया जा रहा है, ये समझ लीजिए जरा आप समझ के।
जो परंपरा आगे बढ़ रही है वो ब्राह्मिनिकल हिंदुइज्म की बढ़ रही है, नॉन ब्राह्मिनिकल की हिंदुइज्म की नहीं बढ़ रही। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टेम्पल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रीस्टहुड, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रिचुअल्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फेस्टिवल, वो ये नॉन ब्राह्मिकल ट्रेडिशन के नहीं है। तो ये आपने समझ लेना चाहिए कि कुमार केतकर साहब ने सही तरीके से कहा था, पूरी तरह उसको उन्होंने एनालाइज नहीं किया, लेकिन ये है कि ये हिंदुज़म के हिंदुओं के नाम के ऊपर जो एक विशिष्ट हिंदू परंपरा आगे चली जा रही है वो ब्राह्मिनिकल ब्राह्मिन हिंदुज़म की परंपरा है। मैं ब्राह्मीन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बाबा साहेब को किसने कहा था आर यू अगेंस्ट ब्राह्मिनिज्म, नो आई एम अगेंस्ट ब्राह्मिनिज्म। तो ये ब्राह्मिनिकल जो परंपरा है उसकी रिलीजियस फिलोसॉफी भी है, उसकी सोशल फिलोसॉफी है, सोशल फिलोसॉफी कास्ट है, बल्कि ये नॉन ब्राह्मिनिकल प्रोग्रेस नॉन ब्राह्मिनिकल हिंदूवादी जो परंपरा है उसको ऑब्जर्व करने की बात हो रही है। मैं बहुत बार एग्जांपल देता हूँ, जो तो गाड़गे महाराज का एक बार एक एग्जांपल देता हूँ कि जिसने अंधश्रद्धा के खिलाफ स्ट्रगल किया, रिचुअल के खिलाफ स्ट्रगल किया, उसके विचार वो आगे जाने चाहिए थे, रैशनलिज्म आगे जाना चाहिए था, उसको तो भगवान बना दिया अमरावती में, मेरी डिस्ट्रिक्ट के है, और वहाँ पूजा चलती है और पंडित बैठे हुए हैं, पुजारी बैठे हुए हैं, इस तरह से अप्रोप्रिएट किया गया। ये प्रोग्रेसिव मूवमेंट को ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में अप्रोप्रिएट किया गया। वही तुकड़ोजी महाराज की वही सारी कथा है, ये सेंट की है, नामदेव जी का टेम्पल आप देखेंगे लोधी रोड पे दिल्ली में वह है, पश्चिम महाराष्ट्र में है, उनके विचार बाजू में रख दिए गए लेकिन उनको अप्रोप्रिएट किया गया ब्राह्मीण रिचुअल के थ्रू, पूजा अर्चा राइट्स, एक पंडित बिठाना। तो ये समझना भी बहुत जरूरी है कि नॉन ब्राह्मणिकल हिंदुओं को पॉलिटिकल पावर मिलने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जो आइडियोलॉजी प्रमोट की जा रही है उनके नाम पे वो ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी है, और उसमें मटेरियल बेस है, आर्थिक स्वार्थ है, सामाजिक स्वार्थ है। तो ये बातें मेरा ख्याल है थोड़ी सी आप लोगों ने समझ लेनी चाहिए। मैं हिंदुओं के लिए ये ज़्यादातर कह रहा हूँ, लेकिन इस्लाम हमारे मुस्लिम भाई है वो भी ये समझ ले कि जो इंटेंशन है, जो उद्दिष्ट है वो अलग है। तो मैं इसके आगे ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, मैं समाप्त इसी बात पे करूँगा कि ये कुछ चीज़ें जो है हमने समझना बहुत ज़रूरी है। आखिरी में मैं पॉइंट ये आपको कहूँगा और आपको इससे इशारा भी है एक तरीके से कि जो हमारी आशा है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, उसी के तहारे है, सहारे हम जिंदा है। यदि किसी भी तरह की डिक्टेटरशिप आती है तो जो लोअर कास्ट है, गरीब है, रिलीजियस माइनॉरिटी है, उनकी हालत ख़राब होगी और वो देख रहे हैं हम। जब हमने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कि ये सरकार जो चलेगी वो लोगों के जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव है वो गवर्न करेंगे, और डेमोक्रेसी में ये होता है कि पार्टियां होती है और डिफरेंट पार्टियां ये कहती है कि नहीं, जनता की तरक्की जो होगी हमारे आइडियोलॉजी से होगी, एग्रीमेंट नहीं होता है, तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टियां बनती है, वो पॉलिटिकल पार्टियां हर 5 साल में फिर इलेक्शन के लिए जाती है, जिसको मेजोरिटी मिलती है वो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आती है। ये ब्रिटिश मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, मेजॉरिटी पार्टी ऑक्यूपाय द पावर बिकॉज उनके पास मेजॉरिटी वोट है, मेजॉरिटी सीट है, दिस इज ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिले वो सरकार फॉर्म करेंगी और मेजॉरिटी रूल से सरकार चलाएगी। पार्लियामेंट में यदि 50% से ज़्यादा आपको यदि वोट मिल गए तो आप मेजॉरिटी में हैं, आप निर्णय लोगे। लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है या ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो मुद्दों पे आती है, ये प्रॉब्लम है समाज के, ये हमारी नीतियाँ है, इस बेसिस पे हम ये करेंगे और चुन के आएंगे। यदि उन्होंने नहीं किया तो नेक्स्ट ईयर में उसको निकाला जाता है, पीपल विल थ्रो देम आउट ऑफ पावर। सो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द इश्यूज एंड देयरफॉर इट इज ए इम्परमेंट डेमोक्रेसी, इम्परमेंट पॉलिटिकल मेजॉरिटी। जब भी वो उसने कुछ अच्छा नहीं किया तो वो पॉलिटिकल पार्टी चली जाती है, दूसरी पार्टी यहाँ आ जाती है। तो मेजॉरिटी पे जो पॉलिटिकल पार्टी बनती है वो जो गवर्न करती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ने, वो इश्यू बेस्ड है। बाबा साहेब ने कहा कि इस डेमोक्रेसी पार्लियामेंट्री सिस्टम को आप इंडिया में लाओगे तो
अच्छा नहीं होगा। उन्होंने इंसिस्ट किया कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम जो है, मेजॉरिटी बेस जो है, वो इंडिया में काम नहीं कर पाएंगी। क्या कहा उन्होंने समझ लीजिए, जो प्रेडिक्शन उन्होंने 1946 में किया था वही प्रेडिक्शन आज बिल्कुल सही हुआ है। उन्होंने यह कहा था कि इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इशू बेस्ड नहीं होगी, वो कम्युनल पार्टी होगी। द पॉसिबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी बीइंग बेस्ड ऑन कम्युनल वोट इज मच हायर देन इट इज बेस्ड ऑन द इशू। तो आप देख रहे हो जो इशारा उन्होंने दिया था, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है पिछले 50 साल से समझ लीजिए वो कास्ट बेस है। जिस कम्युनिटी का ज़्यादा से ज़्यादा वोट है वो पावर में रहती है। महाराष्ट्र का एग्जांपल ले लीजिए, जिस कम्युनिटी का मेजॉरिटी वोट है वही पावर में रही, उसमें ग्रुप होंगे, फ्रैक्शन होगा, लेकिन वही कास्ट पावर में रहेगी। यदि रिलीजियस मेजॉरिटी है, फ्रैक्शन भी होगे और इकट्ठा यदि आए तो उस रिलीजन की मेजॉरिटी की पार्टी बनेगी और सत्ता में आप रहेंगे। डॉक्टर अंबेडकर साहब की ये थ्योरी थी कि इंडिया में जो मेजॉरिटी होगी वो पॉलिटिकल मेजॉरिटी नहीं होगी, इशू बेस्ड मेजॉरिटी नहीं होगी, वो कम्युनल बेस्ड मेजॉरिटी होगी। और जिस कम्युनिटी की मेजॉरिटी है उस कम्युनिटी की पॉलिटिकल पार्टी होगी, वो मेजॉरिटी कम्युनल और रिलीजियस है वो माइनॉरिटी को ठीक से नहीं देखेगी। इट कैन बी मीनांस टू माइनॉरिटी, दैट इज द वर्ड दैट ही हैज यूज्ड, इट कैन बी अ डेंजर टू द माइनॉरिटी। और जो उन्होंने कहा 46 में आज आप देख रहे हो, उन्होंने ये भी कहा है कि पॉलिटिकल मेजॉरिटी जो होती है वो परमानेंट नहीं होती, टेम्पररी होती है। एक पार्टी आई चली गई, दूसरी आई, जनता ने कहा कि इन्होंने काम अच्छा नहीं किया, इन्होंने किया। कम्युनल मेजॉरिटी इज अ परमानेंट मेजॉरिटी, दैट्स द वर्ड ही हैज यूज्ड, क्योंकि आपकी कम्युनल मेजॉरिटी परमानेंट है। एक कास्ट की मेजॉरिटी कायम है, एक धर्म की मेजॉरिटी कायम है। और यदि कम्युनल मेजॉरिटी से डेमोक्रेसी गवर्न करे तो सबसे ज्यादा डेंजर जो है वो माइनॉरिटी को है, और आज हम देख रहे हैं। मैंने ऐसे आदमी को नहीं देखा, कोई नेहरू भी होंगे, अपना प्लेस नेहरू का जी का है, गांधी जी का है, पटेल का है, लेकिन इतने फोरसाइट वाला आदमी जिन्होंने स्टडी करके इस देश का जो फ्यूचर बताया, हर एक इंस्टीट्यूशन को उन्होंने स्टडी किया, ऐसे फ्यूचरिस्टिक आदमी मैंने नहीं देखा है कि जो उन्होंने कहा है। आपको रिक्वेस्ट करूंगा मैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, कि ये जो उन्होंने सारा लिखा है कम्युनल डेडलॉक एंड वे टू सॉल्व इट, कि कम्युनल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, उन्होंने वहां तरीके दिए हुए हैं। उन्होंने कहा तीन तरीके दिए हुए हैं उन्होंने डेमोक्रेसी को इंडिया में यदि लागू करना है और कम्युनल डेमोक्रेसी नहीं बनाना है, तो उन्होंने एक कहा कि मेजॉरिटी की सीट जो है कम करो कुछ हद तक, वो मुस्लिम को दे दो, वो बुद्धिस्ट को दे दो, वो सिख को दे दो, वो शेड्यूल कास्ट को दे दो, कुछ ट्राइब को दे दो, ताकि मॉडरेट मेजॉरिटी हो। इतनी मेजॉरिटी, एक्सक्लूसिव मेजॉरिटी न हो कि माइनॉरिटी को आप बिल्कुल कुछ ले। तो पहला उन्होंने कहा कि बैलेंस रिप्रेजेंटेशन, जिसमें मेजॉरिटी का सीट जो है वह थोड़ी आप कम कर दीजिए। दूसरा उन्होंने कहा है कि माइनॉरिटी जो है, मेजॉरिटी की सरकार आएगी, हिंदू डोमिनेट क्यों ना आ जाए, हाई कास्ट डोमिनेट क्यों ना आ जाए, लेकिन माइनॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी में रहेगी, लेकिन माइनॉरिटी सरकार ऐसी बनी मेजॉरिटी की कि जिसमें माइनॉरिटी को विश्वास हो, कॉन्फिडेंस हो। ऐसे आदमी प्राइम मिनिस्टर बने, ऐसे लोग मिनिस्टर बने मेजॉरिटी पार्टी के कि जिनका माइनॉरिटी को उसमें विश्वास हो, कॉन्फिडेंस हो कि नहीं ये हमारे लिए कुछ करेंगे, विचारधारा उनकी कुछ भी हो। तो उन्होंने कहा कि सिलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, सिलेक्शन ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर of a majority party should be selected by the entire house. Minority plus majority parties should select who will be the prime minister, who will be the cabinet minister. So that कम से कम वो majority party के ही होंगे, लेकिन कम से कम जिसमें minority को confidence है कि ये आदमी अच्छा है, भला है, तो उनके अधिकार थोड़े से सुरक्षित होंगे। तीसरी solution उन्होंने दी थी वो ये थी कि यदि communal majority है और communal party सत्ता में आती है, वो तो कोई डिसीजन ले सकती है 2/3 मेजोरिटी से, जो आज ली है सी ए की मेजोरिटी रूल। तो उन्होंने कहा नहीं, अहम मसलों में यूनैनिमिटी रूल होना चाहिए। यदि आप अहम मसला कुछ ले रहे हो तो सब यदि हाँ कहते हैं, एक्सेप्शन अपार्ट, तभी आप डिसीजन ले लो।
सिक्योरिटी काउंसिल में होता है कि नहीं? सिक्योरिटी काउंसिल में अनलेस एवरीबडी से यस, डिसीजंस आर नॉट टेकन, देयर आर अदर फोरम ऑल्सो वेयर यूनानिमिटी रूल इज अप्लीकेट, सो दैट एटलीस्ट ऐसी कोई डिसीजन ले ले जो माइनॉरिटी को ये लगे कि हमारे खिलाफ जा रही है और उन्होंने कुछ सजेशन किया है कि नहीं ऐसा करिए और मेजॉरिटी ने एग्री किया, तो यूनानिमस डिसीजन हो सकती है। कोई अहम मसले में यूनानिमिटी का प्रिंसिपल होना चाहिए मेजॉरिटी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट में। क्या चीज़ होती भाई 51 और 49? 51 कोई मेजॉरिटी होती है? यही हुआ है सीए के बारे में, और क्या हुआ है? 42% पॉपुलेशन, 40% पॉपुलेशन है जो पार्टी इन पावर है, थोड़ी एक दो पार्टी उनके साथ जुड़ी हुई है, वो सारे डिसीजन ले लेंगे एक्सक्लूडिंग द ओपिनियन ऑफ द अदर हाफ, ऑलमोस्ट अदर हाफ। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि यूनानिमिटी का जो रूल है वो लागू करें। सो प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस रिप्रेजेंटेशन, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन मेजॉरिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ यूनानिमस रूल, ये तीन हमने लिए तो डेमोक्रेसी को हम मॉडिफाई कर रहे हैं, ब्रिटिश फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को गवर्नेंस में मॉडिफाई कर रहे हैं, जिसमें माइनॉरिटी को कुछ प्रोटेक्शन होगा। उनकी बातें एक्सेप्ट नहीं हुई, बहुत सारी बातें उनकी एक्सेप्ट नहीं हुई, और आज आप उसका असर देख रहे हो कि माइनॉरिटी के किस हद तक पुश कर दिया है वॉल को, क्योंकि आपकी मेजॉरिटी पार्टी है, ब्रिटिश पार्लियामेंट डेमोक्रेसी है, लेकिन वो मेजॉरिटी जो है वो कम्युनल बेस मेजॉरिटी है बाय एंड लार्ज। तो इसके ऊपर आज सोच करने की जरूरत है कि जो अम्बेडकर साहब ने बहुत सारे मसले पे उन्होंने सोल्यूशन दिए, एक मसले पे नहीं दिए, ही वॉज द ओनली वन हु वुड स्टडी एंड गिव ए सोल्यूशन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल दिया था ना, एक लैंग्वेज वन स्टेट, उन्होंने लिखा थर्ड्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट कहते ये गलत है, ये बहुत बड़ा यूपी क्रिएट करोगे, बहुत बड़ा एमपी क्रिएट करोगे, बहुत बड़ा बिहार क्रिएट करोगे, वो बड़े बड़े स्टेट में फिर माइनॉरिटी को कोई पोजीशन नहीं होती। तो उन्होंने क्या किया, यूपी के 3 बनाए, महाराष्ट्र के 3 बनाए, विदर्भ एक बना, आंध्रा के 2 बनाए, तेलंगाना उसी बेसिस पे बना, जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब का जो मैप है थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट में, उसमें तेलंगाना अलग है, यूपी के 3 है, मध्य प्रदेश 3 है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये जो बनाए डॉक्टर अम्बेडकर के, डॉक्टर अम्बेडकर साहब के मैप पे बना हुआ है। विजन थी उनको कि स्मॉलर स्टेट, वायबल स्टेट, जिसमें माइनॉरिटी को ज़्यादा अधिकार मिलेंगे। आप जाके देखिए, मैं जाता हूँ तेलंगाना में, 17% शेड्यूल कास्ट नाउ आर ऑक्यूपाइंग ए पावर इन तेलंगाना इन मेनी स्पीयर बिकॉज स्टेट छोटा है। तो ये डॉक्टर अम्बेडकर साहब को हमने और डिस्क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। इतनी बड़ी खुशी होती है कि हर कोई उनकी पिक्चर लेके आगे आता है, कॉन्स्टिट्यूशन अम्बेडकर साहब, लेकिन उसकी और भी विचारधारा है डॉक्टर अम्बेडकर साहब की, वो सामने लानी चाहिए, माइनॉरिटीज़ के लिए है स्पेशली। तो ये कुछ बातें हैं जो हमने ध्यान में रखनी चाहिए। मैं आखिरी में इतना कहूँगा कि ये जो हमने फोरम बनाया है इसको बरकरार रखे, नेशनल इंटरेस्ट के जो इशू है, इशू कटिंग अक्रॉस ऑल ऑफ अस, वी शुड कम टुगेदर इन नागपुर सिटी। जो भी कोई नया मसला आया है जो नेशनल लेवल का है, स्टेट लेवल का है, हम इकट्ठा आए, एक ओपिनियन बनाएं, भूमिका व्यक्त करें, पेपर में दे दे, गवर्नमेंट को मिले, एजिटेशन करे, तो मेरा ख्याल है हम बहुत कुछ इसमें कर सकते हैं। इसमें बहुत लोगों की मेहनत है, डॉक्टर कामले है, डॉक्टर हजारे है, डॉक्टर नगराड़े है, बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, आप भी इसमें शामिल होइएगा। सिद्दीकी साहब है जिन्होंने इसमें इनिशिएटिव लिया, और भी ऑर्गेनाइजेशन आई हुई है, मैं सबकी बधाई देता हूँ, ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन है, मराठा संघ है, और भी जो है उसमें शामिल हुए, और मेरा ख्याल है शामिल रहिएगा, और नेशनल इंटरेस्ट की बात कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।